गाइज़ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी आज हम लाए हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से रीडिंग कैंपन की एक्टिविटी शीट नंबर ट्वेंटी एट जो कि क्लास सिक्स सेवंथ एंड एथ तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डेट है जिसकी नाइनटीन फेब्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप अपना नेम एंड ने अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे तो हेलो चिल्ड्रंस आज हम एक अनक अनदर स्टोरी इन्हें दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स तो यहाँ पे स्टोरी से पढ़ने पहले आपको उसकी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर यानी आपको कैरेक्टर की पर्सनैलिटीज़ की तरह और अपनी जो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसकी टोन पर अपनी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है आपको ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना वेर योर पे सो योर पोज़ फॉर इम्पेसेस यानी आपको पोज के साथ पढ़ना है तो चले पढ़ते हैं फार्मर इन विलेज नियर रिवर यमुना वे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देअ फील्ड्स यानी जो फार्मर्स हैं ये यमुना रिवर के विलेज के पास वो अपनी क्रॉप्स में जो अपनी फील्ड्स में प्रॉब्लम फेस करें द प्रॉप वॉज गेटिंग पुअर दे बिकमर जो क्रॉप है वो खराब होती जा रही है वो बहुत ज़्यादा वर्ड है यानी बहुत परेशान है एवरी डे दे वुड थिंक अप्यू सोल्यूशन फॉर देयर फील्ड ऑनली हर रोज एक नया सोल्यूशन ढूंढते हैं अपनी फील्ड के लिए दे डिन नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर वो एक दूसरे का साथ नहीं देते एक दूसरे से बात नहीं करते वन ट्राइड पुटिंग क्रो इन हीज फील्ड अब किसी एक ने ट्राई करा कि वो एक क्रो ये जो आपको फिगर दे रही है इसे स्कैरक्रो कहते हैं अपनी फील्ड में लगाने का अनदर यूज मैन्य किसी ने मैन्योर लगाने की सोची और दूसरे ने क्या और किसी और फार्मर ने क्या किया वॉचिंग दे फील्ड्स डे एंड नाइट यानी सुबह शाम अपनी फील्ड्स को देखने लगे दे देर वॉज वेरी लिटिल इंप्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई तब भी सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स तो विलेज विज के जो हैड है उन्होंने सभी फार्मर्स की मीटिंग बैठाई ही गिव दैम बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आज दैम टू ब्रेक इट तो उन्होंने उसे सबको बंडल ऑफ स्टिक्स दी यानी एक बंडल ऑफ स्टिक दिया यानी जिसमें लकड़ियों के बंडल होता है उसे दिया और सबको कहा कि तुम इसे तोड़ो सब ने ट्राई करा हार्ड बट किसी से भी कोई भी जीत नहीं पाया कोई भी नहीं तोड़ पाया बंडल ऑफ स्टिक द विलेज हैड सैड टुगेदर यू आर स्ट्रांग एंड वर्क बैड बेटर देन यू डू अलोन यानी जो तुम साथ मिलकर काम कर सकते हो वो तुम अकेले नहीं कर सकते अब वो अकेले से जो तुम काम करोगे अगर साथ मिलकर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा द फार्मर अंडरस्टूड वर्ड द विज हैड वॉज सिंगेज हेड क्या कह रहे थे फार्मर समझ गया दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्नस इन गार्जरिंग द फील्ड्स फिर सब एक साथ मिलकर काम करने लगे उन्होंने मैंने और भी लार्ज क्वांटिटी में लिया तो इट कॉस्ट सब लिए कम हो गई दैट ईयर दे हैड अ ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट और सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट उसी ईयर उसी साल हुई और उन्हें क्या मिल गया यूनिटी इन स्ट्रेंथ यानी उन्हें एकता में बल मिल गया वंस ए गॉड यूनिटेड दे अंडरस्टूड इट्स ट्रेंथ यानी जब वो एक साथ हुए तो उसकी ताकत वो समझ गए अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्टोरी में अंडरलाइन करना है उनकी मीनिंग्स अपनी टीचर की हेल्प से फाइंड करनी है तो यहाँ मैंने थ्री वर्ड्स लिए एक तो प्रॉब्लम यानी मुसीबत क्रॉप यानी फसल और स्केयर को यानि पक्षियों को डराने वाला पुतला तो ये थ्री वर्ड्स आप स्टोरी में अंडरलाइन करेंगे एंड इनकी मीनिंग आपको पता चल गई नेक्स्ट है इसमें आपको और भी कोई हार्ड लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं रीड द कन्जर्वेशन बिटवीन आपको मनीषा एक रिपोर्टर और फार्मर और विलेज हेड के बीच में जो यहाँ पे टॉक दे रखी है कंजर्वेशन दे रखी है आपको कंप्लीट करनी है कंप्लीट करने है डायलॉग्स तो सबसे पहले मनीषा कहती है वट ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग फार्मर से कहती है कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फार्मर कहते हैं अवर कॉप्स का गेटिंग पुअर हमारी जो फसलें वह सड़ती जा रही है खराब होती जा रही है मनीषा कहती है वर्ड सॉल्यूशन डिड यू थिंक आपने कौन कौन सॉल्यूशन सोचे तो फार्मर कहते हैं हमने स्केर करो रखा मैंने और अच्छा डाला अपनी फील्ड्स को गार्ड करा मनीषा विलेज हेड को कहती है व डिस्कशन यू हैड विद द फार्मर्स आपने कौन सा डिस्कशन फार्मर के साथ किया विलेज हेड है कहते हैं मैंने बंडल ऑफ स्टिक्स दिया और उन्हें तोड़ने को कहा मनीषा कहती है वट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा तो फार्मर कहते हैं हमने सीखा यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में ही बल है तो आप इसे कर लेंगे ये थी आपकी आज की वर्कशीट आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर नहीं यू पर गाइस